राम राम किसान भाइयों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए मिनी फुहारा सब्सिडी का एक नया वीडियो लेके। इसमें आप कैसे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसमें अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कितने दिन में सब्सिडी आ जाती है और ये कितने दिन में लग जाता है, और भी जो भी सवाल हैं या मिनी फुहारा सब्सिडी को लेके, उन सारे सवालों का हम आपको आज यहाँ पे जवाब देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये कितनी सब्सिडी मिलती है और ये कितनी हेक्टेयर तक अधिकतम अपन सब्सिडी ले सकते हैं, जो भी आपके सभी सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। साथ ही हम आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन मोबाइल से घर बैठे आवेदन कैसे करें, ये भी इसमें करके दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने मिनी फुहारा सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज ही अपने मोबाइल से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आगे आपको प्रैक्टिकली वीडियो करके दिखाएंगे। जैसे जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये घर बैठे कर सकते हैं। आपको एक भी रुपये का चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। और मोबाइल से भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें पहले हम आपके कुछ सवाल्स हैं उन सवाल का जवाब दे देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप 352,417 रुपये की सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि हमको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको एक जन आधार कार्ड चाहिएगा, साथ ही जन आधार में आपका बैंक अकाउंट है वो अपडेट होना चाहिए, एक जमाबंदी चाहिए और नक्शा चाहिए। ये दोनों आपको 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल चाहिए, मिट्टी और पानी की जांच की रिपोर्ट चाहिए, साथ ही कोटेशन चाहिए। और ये कोटेशन आपको कहाँ से बनवानी है ये भी हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। और कंपनी के ऑथोराइज डीलर के आप कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवाएंगे जिनसे आप बात करके अपनी कोटेशन है वो मंगवा सकते हैं। यह मिनी फुहारा सिस्टम है वो आप लगा सकते हैं और साथ ही सब्सिडी का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल है सब्सिडी कितनी मिलती है। तो ये सामान्य किसान को है वो 70% सब्सिडी मिलती है और लघु किसान को वो 75% सब्सिडी मिलती है। और ये कब मिल जाती है, जब आपका नंबर आ जाता है और ये कंप्लीट सेटअप हो जाता है उसके 2 से 3 महीने में, या जो वर्ष चल रहा है उसके 31 मार्च से पहले पहले ये सब्सिडी या तो आपके मतलब किसान के अकाउंट में आ जाएगी या कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो ये कंपनी के अकाउंट में ये सब्सिडी आ जाती है। आज का अगला सवाल है लघु किसान के लिए क्या करें, मतलब आपको सब्सिडी 75% लेनी है तो आपको क्या करना है। आपको अपना जन आधार लेके ईमित्र पे जाना है और उनको बोलना है कि हमको जन आधार के अंदर ऐड कर दे, तो ये इजीली वो कर देगा। साथ ही आप जन आधार के साथ जो मोबाइल नंबर अटैच है वो भी लेके जाइए, उस पर OTP आएगा जिससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कोटेशन मंगवाने के लिए क्या करें। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक ऑथोराइज डीलर का नंबर दिया हुआ है जिनका ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इनसे आप कोटेशन मंगवा सकते हैं। साथ ही आप मिनी फुहारा सिस्टम है वो आप इनसे लगवा भी सकते हैं। अगला सवाल है अपना आवेदन करने के बाद में कितने दिन में नंबर आ जाता है। अन्य ज़िलों में मतलब सीकर ज़िले को छोड़ के बाकी अन्य ज़िलों में ये 2 से 3 महीने के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, साथ ही 2 से 3 महीने में ये लग जाएगा। तथा सीकर ज़िले में इसका नंबर आने में 5 से 6 महीने लगते हैं क्योंकि सीकर ज़िले में आवेदन वो ज़्यादा होते हैं, तो ये नंबर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। साथ ही हम आपको बता दें इसमें आवेदन करने के बाद में सभी किसानों का नंबर आएगा, चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन नंबर ज़रूर आएगा। अगला सवाल है सब्सिडी किसान के खाते में आती है कंपनी के खाते में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर लेते हैं तो ये सब्सिडी है वो कंपनी के अकाउंट में जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके खाते में आए तो ये लगवाने से पहले आपको सारा पेमेंट है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो बेटर सबसे यही रहेगा कि आप कंपनी के साथ एक लिखित एग्रीमेंट कर ले तो सब्सिडी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये कंपनी है वो खुद के दम पे लगा जाएगी। आपको सिर्फ 25% या 30% वो पेमेंट है वही कंपनी को देना होगा, बाकी सब्सिडी मिल जाती है कंपनी। और अगला सवाल है
नंबर आने के बाद में कंपनी कितने दिन में लगा देती है? नंबर आने के बाद में कंपनी ये 2 से 3 दिन में लगा देती है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम पर्याप्त है। और ये कितने हेक्टेयर में लगा रही हो इस पर भी ये डिपेंड करता है, अधिकतम ये 2 से 3 मतलब 5-7 दिन के अंदर ये लग जाता है कम्प्लीटली। इसके बाद में अगला सवाल है, गारंटी या वारंटी भी होती है क्या? हाँ, इसकी 5 साल की वारंटी होती है जो कंपनी के द्वारा दी है। आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, उन टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और कंप्लेन लिखा देनी है, फिर कंपनी से आदमी आएगा और उसको रिपेयर करके या सुधार करके जाएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर अब आगे बात करते हैं अपन कि घर बैठे मोबाइल से इसका आवेदन कैसे करें और इस सब्सिडी का अपन कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब कैसे सब्सिडी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपन घर बैठे मोबाइल से इसका आवेदन कैसे करें। इसका आवेदन करने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यह है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ टर्म्स कंडीशन दी हुई है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें यह बता रखा है कि इससे पानी की बचत होती है वो 75 से 80% होती है, और अनुदान है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि सामान्य किसान को 70% मिलता है तथा अन्य किसान है जैसे लघु किसान है, सीमांत है, महिला है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको ये अनुदान 75% दे रही है। और ये 5 हेक्टेयर तक अधिकतम किसान लगा सकता है, इससे अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर पेमेंट किसान को करना पड़ेगा। कम से कम 0.2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आप ऑनलाइन ई मित्र से भी कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे कि आप मोबाइल से आवेदन कैसे कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको इसमें पहले अप्लाई करना है, फिर जैसे आपका नंबर आ जाता है उसके बाद में आप कंपनी को पेमेंट करके अपना 30% है या 25% पेमेंट है वो करके आप कंपनी से ही इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी 75% के लिए आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर ली, और ये जब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ऑफिशियल मतलब सरकार के लोगों द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा ये फिजिकली वेरीफाई होता है, और वेरीफाई होने के बाद में ये सब्सिडी कंपनी या किसान के अकाउंट में आ जाती है। अब बात करते हैं अपन घर बैठे मोबाइल से आवेदन कैसे करें। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको मोबाइल में ये फॉर्म ऑनलाइन भर के दिखाऊंगा, आप भी इसको फॉलो करिए और जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लीजिए। सबसे आप पहले आपको rajkisan.rajasthan.gov.in पे जाना है, वहाँ पे आपको किसान नागरिक लॉगिन है, इसके अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। इसमें आप अपना जन आधार नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए लेफ्ट साइड में नीचे जन आधार नंबर भरे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर भरना है। जन आधार नंबर भरने के बाद में आपको यहाँ पे किसान सेलेक्ट करना है, मतलब जिस किसान के नाम से आपको फॉर्म लगाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दिए हुए किसान के जो मोबाइल नंबर है उन पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे मोबाइल में OTP आ गया है, जैसे अपन OTP डाल के ये लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो जाता है। और यहाँ पे जो किसान ने फॉर्म पहले भी लगाए, फार्म पोंड का है, इरिगेशन पाइपलाइन का है, पोली हाउस का है, सोलर का है, ड्रिप इरिगेशन का है या वायर तारबंदी का है, तो ये सब इसके लिए पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है। अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए आवेदन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे बागवानी सब्सिडी सेवाएं वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है 3 नंबर पे। इसमें सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए मिनी स्प्रिंकलर सब्सिडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मिनी स्प्रिंकलर सब्सिडी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन बता रहा है जो मैंने पहले भी आपको बता दिए, एक बार फिर बता देता हूँ कि ज़मीन और किसान के नाम होनी चाहिए, कम से कम 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 5 हेक्टेयर होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर मतलब 7 साल के अंदर ये किसान है वो 5 हेक्टेयर सिंचाई के लिए ये एक बार ले सकता है। अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको 7 साल बाद में ही सब्सिडी मिलेगी। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इनकी बात मैंने पहले भी कर दी है, जमाबंदी चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, जल सिंचाई का स्रोत चाहिए, कोटेशन चाहिए, आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो पंजीकृत फर्म है मैंने उनके नंबर दिए थे, मतलब कोटेशन के लिए आप उनसे कोटेशन मंगा लीजिए, उनके कोटेशन वो मान्य है।
सिंपल सी बात बताइए, आप आराम से हिंदी के अंदर हैं या आप पढ़ भी सकते हैं, और ये मैंने पहले बता दिया है कि आपका नंबर आ जाता है उसके बाद में ही आपको लगानी है, उसका लगाने के बाद में इसका भौतिक सत्यापन होगा और वो करने के बाद में ये सब्सिडी मिलती है। साथ ही यहाँ पे ये मैसेज आया है कि लघु एवं सीमांत किसान में अपनी आवेदन करना चाहते हैं तो जनाधार में अपनी श्रेणी जुड़वा लें। इसके लिए आपको ई मित्र पे जाके मित्र वाले को बोलना है कि हमको जनाधार के अंदर लघु या सीमांत की श्रेणी के अंदर जो भी आपका नंबर आ रहा है वहाँ पर वो आवेदन कर देगा और आपको अप्लाई कर देगा। चलिए देखते हैं आगे फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, आप सिंगल यूजर भी भर सकते हैं, मल्टी यूजर मतलब अधिक एक से अधिक किसान मिलके भी ये फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सिंगल यूजर सेलेक्ट कर लिया, फिर एड्रेस पे वो सेलेक्ट कर लेना है आपको, यस पे, फिर यहाँ पे रूरल है या अर्बन है मतलब ग्रामीण शहरी वो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना खाता नंबर डालना है और खसरा नंबर डालना है, यह आपको अपनी जमाबंदी के अंदर मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको नो कर देना है, मतलब पिछले 7 साल में आपने माइक्रो इरिगेशन के लिए सब्सिडी नहीं ली है, अगर लिए तो यस करिए, नहीं लिए तो नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्रॉप सेलेक्ट कर लेना है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या अदर है, तो जो भी आप सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। कोशिश करेंगे हॉर्टिकल्चर ही सेलेक्ट करना है अपन को। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में आप वेजिटेबल वगैरह है, फ्लावर है, मेडिसिन है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डीलर है, वो डीलर के मैंने आपको पहले भी नंबर प्रोवाइड करवा दिए, यहाँ पे आप जो भी डीलर बनना चाहिए वो भर सकते हैं। जैसे आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद में ये आपकी मर्जी है कि कौन से डीलर से आप लगवाना चाह रहे हैं, ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ इरीगेशन मतलब पानी की क्या व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, कुआ है, क्या है, वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर ओनर ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन मतलब पानी की जो व्यवस्था वो खुद की है या जॉइंट में है, जॉइंट में है तो उसके खाता नंबर और खसरा नंबर लगेगा, पड़ोसियों से अगर आप ले रहे हैं तो उनके साथ एक एफिडेविट लगेगा। फिर यहाँ पे आप कितने हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं, आप 2 हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं, 1 हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं या 5 हेक्टेयर में, और ये है खुद की है मतलब ज़मीन है वो खुद की है या किराए पे ले रखी है, ये तो इसमें यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे ये बता रखा है नोट के अंदर कि आपको अधिकतम 5 हेक्टेयर तक सब्सिडी दी जाएगी, अगर पहले आपने 2 हेक्टेयर के ले लिए है तो आप अब अधिकतम 3 हेक्टेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले नहीं लिए तो आप एक साथ 5 हेक्टेयर की अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट कर लेना कैटेगरी, इसमें लघु में आते हो, मार्जिन में आते हो, अदर में आते हो, तो लघु में आने के लिए आपको जनाधार पे जाके अपडेट करवा लेना है। फिर एक कोटेशन है, वो जो नंबर दिए हैं वहाँ से आप कोटेशन मंगवा सकते हैं, और ये कोटेशन वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप तारीख सेलेक्ट कर लिए, कोटेशन में जितना अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे भर देना है। मैं एक डम्मी अकाउंट से बना रहा हूँ ये आपके लिए, तो मैं कुछ भी अमाउंट भर रहा हूँ, आपको जो कोटेशन में मिलता है वो अमाउंट ही आप यहाँ पे भरें। फिर यहाँ पे फार्म और लैंड ओनर सी मतलब ज़मीन है वो खुद की है, नेशनल शेयर है सरकार का, उसमें कुछ शेयर है, तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक जमाबंदी अपलोड करनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपनी जमाबंदी है वो यहाँ से अपलोड करने कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये जमाबंदी वो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे है नक्शा अपलोड करना है, नक्शा सेलेक्ट करके यहाँ पे आप नक्शा अपलोड कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सोर्स मतलब प्रूफ ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, वो अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे डिज़ाइन मैप मतलब जिस हिसाब से आप मिनी का डिज़ाइन बनाते हैं मतलब ये आपको कोटेशन वाले बना के दे देंगे, आप उनसे ले लेना, अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सोइल मतलब मिट्टी और पानी की है, ये भी मित्र से आप बनवा सकते हैं। फिर यहाँ पे कोटेशन दी हुई है, जो कोटेशन है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर इसके बाद में टेक्नो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट,
या आपका सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होगा, यह रिपोर्ट आपको वो बना के देगा। उसे ये रिपोर्ट बनवा लेनी है, उसके बाद में आप यहाँ पे स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको टर्म्स कंडीशन है उन पर यहाँ पर टिक लगा देना है, और टिक लगाने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपलोड कर दिए हैं हमने। फिर डिक्लेरेशन है, इस पर टिक लगा के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, इसमें हमने अच्छा लैंड नहीं भरी, मतलब कितनी ज़मीन के अंदर अपन सब्सिडी वो ड्रिप मिनी लगाना चाहते हैं, या लैंड एरिया है वो सिलेक्ट करना है। एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर, पाँच, अधिकतम पाँच हेक्टेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पाँच हेक्टेयर सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्म जो भी भरा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसमें अगर कोई गलती है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप बैक जाके वापस एडिट भी कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि जो भी आपने भरा है वो सही भरा है क्या, आपको इसको ध्यान से देख लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। और ध्यान रहे ये आप जो फार्मर वाला है उसमें सेलेक्ट करेंगे लघु ही सेलेक्ट करना है, मतलब स्मॉल फार्मर ही सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ई मित्र पे जाके अपने जना आधार में लघु वाला किसान है उसमें अपडेट करवा लें, क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिल सके। ये फॉर्म हमने सबमिट कर दिया है।